कदा त्वम इह जावटालय जावट गांव में ललिता प्रमुखेन श्री ललिता जिसमें प्रमुख हैं सखी समूहेन अलिक कुलेन सार्धम निर्भर नर्म गोष्ठिम जो उन सखियों के साथ तैयार की गई मत पाण कल्पित मनोहर के लिए तल्पम स्वप्ने न आभूषयिष्यसि का क्या ऐसा सुअवसर प्राप्त होगा कि मैं प्रिया जी के उस केलि तल्प
की रचना कर सकूं, विभूषित कर सकूं। ये साधकों का यही प्राण है, संसार से छूटने के लिए महापुरुषों ने एक बहुत बड़ी संपत्ति हम लोगों को दे चुके हैं कि इस रस का यदि अनवरत स्मरण करते रहेंगे तो संसार की आसक्ति बाधा नहीं डाले। जैसे हम साधारण जीव संसार में फंसे हुए हैं, उन लोगों को इस संसार से खींच करके पियाजी की केली निकुंज तक पहुंचाने का साहस इन महापुरुषों का ग्रंथ है, वाणियां हैं, जिनके अवलंबन लेकर के हम लोग इस पूरे संसार को छोड़कर पियाजी के उस राज्य में प्रवेश कर जाएं। आचार्य चरण कहते हैं कि जब तक प्यास बढ़ती नहीं, प्रिया जी की सेवा प्राप्त करने की हृदय में इच्छा जगेगी नहीं, तब तक यह संसार का दौड़ा दौड़ी कभी छूट नहीं सकता है। हम लोगों का मन सतत संसार में बार बार चाहने के बाद भी यह संसार खींच कर ला देता है। तो भक्त पिपासु भगवान की भक्ति का गंध पाकर के दौड़ जाते हैं, संसार को भूल जाते हैं। और संसार के सबसे प्रिय वस्तु हरि भगवान है। जैसे शरीर का प्राण वस्तु आत्मा है और आत्मा का भी आत्मा भगवान है, अतः बड़े ही सबके प्रियतम श्री हरि हैं। जब तक उनके श्री चरण कमल में प्रीति नहीं लगाएंगे तब तक संसार की आसक्ति खींचती जाएगी। इसीलिए ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की स्तुति करते समय कहे हैं कि तावत रागा दयस्तेन तावत कारा गृहम गृह तावन मोहम भी निगढ़ो जावत कृष्ण तेजना। ये संसार की बंधन तभी तक कष्ट देते हैं, ये काम क्रोध लोभ मद मोह ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, तभी तक ये हम लोग कष्ट देते हैं। जावत कृष्ण तेज, जब तक हम लोग भगवान के ना हो जाए। ये ब्रह्मा जी भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए कहते हैं, नौ तृतीय स्कंद में भी ब्रह्मा जी यही दोहराए कहे हैं कि तावत भयम द्रविण देह सुहिम निमित्त शोकस प्रिया परिभव विपुलस्य लोभः तावन ममित सदव ग्रह आर्त मूलम जावन मेन्द्रिम भयम प्रगणित लोक। देखिए जिस रस के में हम लोग प्रवेश करना चाहते हैं तो उस रस में जब तक प्रवेश नहीं होगा तब तक संसार का बंधन से छूटना बड़ा मुश्किल है, छूट नहीं सकते। ये द्रविण गे सुहिन निमित्तम घर स्त्री पुत्र बाल बच्चा, तब तक इसका भय छूटेगा नहीं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठ करके पिया जी के एक एक लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं। जब तक उस स्मरण में अपने मन को हम लोग नहीं लगाएंगे तब तक हमको द्रव्य पैसा कष्ट देगा, धन कष्ट। धन में सुख है यह केवल भ्रम मात्र, बड़ा भ्रम है, केवल दुख देता है धन। यह द्रविण दुख देने के लिए ही धन पैसा इत्यादि है। पैसा सुहिन भगवान श्री हरि के छोड़ करके यदि दूसरे को अपना मित्र बनाएंगे तो भी दुखदायी कष्ट है। संसार के जितने संबंध हैं ये दुखदायी, ये क्या करते हैं तो शोक उत्पन्न करते हैं। स्प्रिया वस्तु मिलने के बाद वस्तु की पूर्ति नहीं होती बल्कि स्प्रिया बढ़ने लगती है, और हो जाए और। संसार की प्रत्येक वस्तु के पीछे ये सब दुख छिपा हुआ। धन मिलने के बाद तृप्ति नहीं होती, धन और बढ़े इसकी स्प्रिया बढ़ती। मित्र भी दो चार बढ़ जाए तो उसे संतुष्टि नहीं होती, और बढ़े, ये दुखदायी है ना। ये परिभव विपुलस लोभ, यही पराभव है। जीव का सबसे बड़ा पराभव यही है कि श्री हरि की लीला चिंतन से छोड़ करके संसार में आसक्त हो रहे हैं तो भगवान की जो माया शक्ति है प्रताड़ित कर रही, पीट रही। पीट कैसे रही हम लोगों को पता नहीं चला, बहुत मित्र बना दी मैंने पीटना प्रारंभ हो गया।
बहुत धीरे धीरे संपत्ति मिल रहा है अर्थात माया देवी पीटना प्रारंभ कर, विपुलस्य लोभः, ये लोभ बढ़ता रहता है। इसी को कहते हैं असद ग्रह। क्या है असद ग्रह? मम इति, यह मेरा है और मैं उसका हूँ। अहम और मम, ये बहुत अच्छी बात है। अहम मम, मैं भगवान का हूँ, भगवान हमारे हैं। यह भाव जब तक हृदय में नहीं आएगा तब तक भगवान श्री हरि की जो माया है ये जीव को अन्य वस्तुओं में फंसा करके मारती रहती है, आरती मूल दुख देती है। लेकिन ये तब तक हिंदू को देती है तेघरी अभयम लोकः प्रवृत्तः, जब तक श्री हरि के अभय चरण कमल को हम लोग प्राप्त न कर सकते। ये भगवान को प्राप्त करने का बड़ा सुंदर, एक माया कष्ट देती है क्योंकि सब लोग हम संसार से मुड़ करके भगवान के पास चले हैं। इसीलिए महत्वपूर्ण लोग प्रिया जी की एक एक लीलाओं का स्मरण करके खींचे हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक महात्मा मुझको आज मिले, कहे कि प्रिया प्रियतम की जो विलास है ये केवल इसी के लिए है कि तुम कहाँ संसार में विलास खोज रहे हो। अरे इधर आकर देखो ना, भगवान की तरह थोड़ा आकर के देखो, तुम्हारा सब फीका पड़ गया। ये संसार को रास भगवान इसीलिए दिए कि संसार का रस फीका पड़ गया, जिस रस को पा करके संसार फीका पड़ गया। यहाँ पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी विरह की मूर्ति, प्रिया जी के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहना चाहते, संसार की सारी आसक्ति को छोड़ बैठे, अपने इष्ट मित्र सगे संबंधी संसार की जितनी आसक्ति है इसको प्रिया जी के विरह रूपी आग में सब कुछ जला दे दो। ऐसी विरह वेदना मिट जाए मम अहम चेतन, मैं ये संसार का हूँ, संसार मेरा है, इस प्रकार का जो हमारे हृदय में असदग्रह पकड़ लिया है उसको जलाने का सबसे सुंदर तरीका है हम भगवान का। हम प्रिया जी के हों और प्रिया जी मेरी, ये इतना गाढ़ हो जाए, इतना कि संसार अपने आप विस्मृति हो जाए। इस विश्व में स्वामिनी को छोड़कर और हमारा कोई है ही नहीं, इसलिए रघुनाथ दास स्वामी बस। और इसके लिए बार बार क्रंदन कर रहे हैं, अति कदन समुद्र मज्जति हाथ पा दे क्षणमो की मुबरा दे नेत्र मानंद यत्व, हे कृपा मई, हे स्वामी जी, इस दुख समुद्र में मैं डूब रही हूँ, उतर रही हूँ, उब चुप हो रही हूँ, इसलिए आप कृपा करके अपना एक बार क्षण भर का दर्शन दे करके इस संसार को विस्मृति करा दे। बस एक बार अपनी प्रिया जी का एक बार थिरकती हुई चरण कमल के नख ज्योति यदि किसी के हृदय प्रांगण में आ जाए तो संसार आशा संभव कभी है ही नहीं। बस महापुरुष लोग क्यों यही कहते हैं, त्यागराज जब रास में नृत्य कर रहे हैं उनके नाक नृत्य करते समय नखचंद्र छठे का प्रकाश आ रहा है, सारा संसार भुला जाए। और जब तक आपके श्री चरण कमल को नहीं देखूंगी तब तक मैं जीवित नहीं रह सकूंगी, एक बार तुम्हारे चरणों के दर्शन कर और मर जाऊं बस, और कोई चाहे इतनी उत्कट अभिलाषा जब तक नहीं। इस प्रकार साधक के हृदय में इस प्रकार थोड़ी बहुत आरती जगनी चाहिए। हम लोग तो साधन खूब करते हैं लेकिन साधन का फल है आरती। प्रिया जी को देह दर्शन करने की भयंकर चाह, हाँ स्वामिनी तुम्हारे चरणों के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं चाहती, श्री गुरुदेव ने दीक्षा के समय हमको पकड़ करके तुम्हारी दासी तो बना दिया, कह दिया कि आज से तुम प्रिया जी का दासी है, किंकरी है, लेकिन वह सेवा का सुअवसर प्राप्त नहीं हो रहा है, सेवा में लगन नहीं है, न चाहे उत्पन्न हुआ, दीक्षा तो मिल गया कि तुम आज से किसी का नहीं, प्रिया जी का किंकरी बन गया, किशोरी जी की दासी बन गया, लेकिन वह रस वह सेवा उसकी आरती नहीं हृदय में जगी, अभी तक हमको संसार की पाने की इच्छा बलवती हो रही है। हे स्वामी मैं आपकी हूँ, आपकी ही रहूँ, ऐसी कब कृपा होगी, ऐसी आरती हो जाए। कैसी आरती कि सारा संसार प्रिया जी के अतिरिक्त दिखे ही नहीं। अब अपने मन को खींचने का प्रयत्न कर रहे हैं प्रिया जी के लीला में,
कुटिया जी मणिमय प्रयाग पलंग पर बैठी हुई है, कृष्ण का चिंतन कर रही है। सखियां बीच में शयन के पहले प्रिया जी को थोड़ा परिहास करती हैं। कृष्ण की तरह चित्त प्रिया जी का सतत बना रहता है। अगर प्यारे से आप सुंदर न रहे तो उनको बड़ा भयंकर कष्ट होता है। तो सखियां उनको प्रसन्न करने के लिए एक कौतुक करती हैं, निर्भर नर्म गोष्ठी। ये देखिए निकुंज में थोड़ा सा परिहास चलता है। एक सखी के साथ श्यामला सखी आई, देखिए लीला चिंतन करना है साधक लोग। एक सखी को लेकर आए, देखते ही स्वामी जी कहती है, अरे सखी श्यामले आओ आओ, तुम्हारे साथ ये नई नवेली कहाँ से आई? आज तक तो मैं कभी देखी नहीं, ये कहाँ से आई, ये कौन है? श्यामला, मेरी एक नई सखी। वो कहती है हमारी एक नई सखी है, बार बार मैं तुम्हारी चर्चा करती थी तो इसके मन में वासना जागी कि एक बार मैं भी देखूं कौन है। तुमसे मिलने की इसकी बड़ा भारी इच्छा है। नई सखी को देखकर स्वामी मुग्ध हो जाती हैं, विस्मित नेत्रों से देख रही हैं और कहती हैं, यह कितनी सुंदर है, कितनी सुंदर इसकी चाल है। प्रिया जी तद्भाव भावित होकर के उनके तरफ डालती हैं दृष्टि। श्यामला की सखी है तो मेरी भी सखी है। प्रिया जी अपनी दासियों से, अपने सखियों से बड़ा प्यार करती हैं, अपने तल पर बैठा लेती हैं प्रिया जी, और पूछती हैं कि जब तुम्हारी सखी है तो मेरी भी सखी हुई। तो प्रिया जी प्रसन्न होकर के पूछती हैं, इसका क्या नाम है, घर कहाँ है? तब वह कहती है कि मेरा नाम नवीना है। नई सखी हो कहती है, मेरा नाम नवीना है, मैं नवीना। परिचय देती है, उसके साथ देखने में आई। प्रिया जी उसके रूप को देख करके कहती है, आहा, आज तक ब्रजमंडल में इतना सुंदर सखी मैं कभी देखी नहीं। देखिए इसका अतुलनीय रूप गुण तो देखो, कितनी सुंदर है। इसको देख करके मेरी भी इच्छा होती है। नवीना के स्वर में कैसी सरसता, कैसी मादकता और कैसी मधुर वाणी, स्वामी का हृदय द्रवीभूत हो जाता है। कहती है, तुम कुछ गाना जानती हो? प्रिया जी को प्रसन्न करने के लिए कि महाराज ये वाद्य नृत्य गीत गोपी सखियां गाती रहती हैं, तो आप गाना बजाना जानती हो क्या, नाचना जानती हो? नवीना थोड़ा थोड़ा जानती हूँ। क्या पता है, ये तो प्रिया जी की ही सेविका है। अरे श्याम सुंदर क्या है, प्रिया जी के ही तो सेवक है। प्रिया जी जो सिखलाई हो तो थोड़ा सा जानती हूँ। आहा, तुम्हारा चेहरा कितना सुंदर है, कैसी सरस मीठी है, बातें कितनी प्यारी है, आओ आओ कह करके नवीना सखी को प्रिया जी अपने पलंग पर बैठा लेती। तुम्हें कहाँ सीखा है? ऐसा लगता है स्वामी कहती है, नवीना तो गाना और नृत्य करना प्रारंभ किया। कैसा अद्भुत नृत्य, कैसा मीठा गला, नेत्रों की कैसी भंगिमा, हाथों का कैसा संचालन, नेत्र का देखो उमा, यह क्या है, यह तो श्याम है, अपूर्व कौतुक। बाद में श्याम घर चले गए, तुलसी स्वामी के विश्राम के लिए सैयद तैयार करने लगी। इतनी निर्भर, तीव्र प्रगाढ़, नर्म गोष्ठी, हास्ययुक्त मुस्कान, किंतु तुलसी की बातें नहीं भूलती है। अवस्था में सेवा रस का स्वागत नित्य निरंतर यह चल रहा है। अरे भाई, जिस रस को पाकर के भुक्ति और मुक्ति भी तुच्छ हो जाती है, उस रस में किशोरी जी की सखियां सबको सराबोर कर देती है। चाहता है, सारा संसार चाहता है कि मैं प्रिया जी की सेवा करूं, लेकिन वो रस मिलता कहाँ है? जब तक आनुगत्य मई भक्ति स्वीकार न किया जाए, महत्व पुरुषों के चरण कमल का आश्रय न लिया जाए, तो केवल थोथा ज्ञान से उस रस का आस्वादन तो होगा नहीं, पुस्तक पढ़ करके तो होगा नहीं, जब तक महत्व पुरुषों को, रसिक महापुरुषों की सेवा न किया जाए।
बस ऐसी करुणा, ऐसी और ऐसी प्रार्थना देख करके श्री रूप गोस्वामी पाद चाटू पुष्पांजलि में कहते हैं कि हे वृंदावन चक्रवर्ती श्री किशोरी जी, हे श्रीमती राधे, तुम यही करुणा करो, एक बार तुम मुझको ऐसी करुणा कर दो कि जैसा वीर वह मेरे आगे पीछे चाटू वचनों का विस्तार कर चापलूसी और प्रार्थना करता रहे। लेकिन सखी मंजरियों का कितना बड़ा सौभाग्य, सारा संसार जिन श्री हरि को प्राप्त करने के लिए तड़प रहा है, बड़े बड़े भजन साधन प्राणायाम इत्यादि करता है, और सखी मंजरिया कहती हैं कि तुझको पाने के लिए श्याम सुंदर हमारे पीछे चापलूसी करे, ऐ करते हैं श्याम सुंदर प्रिया जी के सखी मंजरियों के पीछे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके एक बार प्रिया जी का दर्शन करा दो, प्रार्थना करें। यह कितना अद्भुत राधा दास्य पद है और किंकरियों की कितनी भारी निष्कामता है, देखो तो सही। प्यारे श्याम सुंदर जिन मंजरियों के चरण पर गिरते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन मंजरियों की थोड़ा सा भी स्वार्थ नहीं रहता कि किसी थोड़ा मुझसे भूल दे, बस तुझको बोलना है तो प्रिया जी से। कितना भारी निस्वार्थ, ऐसा जगत में हो सकता है क्या? जीव पर रसगुल्ला डालो लेकिन खाने की इच्छा ना रहे, रस लेने की इच्छा ना रहे। इस जगत में कौन ऐसा व्यक्ति है, प्राण का प्राण आत्मा का आत्मा भगवान है, लेकिन मंजरियों के पास श्याम सुंदर आते हैं बात भी नहीं करना चाहते, तुझको बात करना है तो प्रिया, तू प्रिया जी से बात करते हो तो मुझे बहुत अच्छा, हमसे बात करते तो मुझे कष्ट होता है। ऐसी मंजरियों की निष्कामता का एक चरम मुस्ती, स्वप्न में भी स्वार्थ का गंध नहीं है, ये सेवा रस की स्वयं मूर्ति है। सेवा के अतिरिक्त इनका कोई चार नहीं, बस प्रिया जी की सेवा, सेवा है उनका प्राण है। स्वामिनी जी हमेशा प्यारे श्याम सुंदर के साथ रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कोई चाह है? एक बार की बात ही नहीं, हमेशा यही है। प्यारे श्याम सुंदर मंजरियों के पास आते हैं, लेकिन मंजरियां श्याम सुंदर को फुसला करके बहका करके प्रिया जी के पास ले जाती है और प्राणनाथ से मिलाती है और मिला करके अद्भुत सुख को प्राप्त करती है। यही महाराज सखी मंजरियों का प्रमुख सेवा है। तुलसी स्वामी के निकट आए और उनके विश्राम के लिए तुलसी ने विचित्र पलंग। देखिए भागवत में भी बार बार यह प्रसंग आया है कि प्रिया जी का तल्प कैसा है तो दूध फेन की समान उज्ज्वल श्वेत, विचित्र पलंग पर दूध फेन को लजाने वाली शैया प्रस्तुत की है, जिसको तुलसी मंजरी अपने हाथ से वह बनाई। स्वामी बहुत देर हो गई, चलो थोड़ा विश्राम करो, कैसी ममता है। हम लोग देखे हैं संतों की जो सेवा में रहते हैं, संत का तो स्वभाव होता है सतत दूसरों के सुख में बोलते रहते हैं, और जो उनके सेवक होते हैं कहते हैं ना ना मत बोलिए आपका गला दर्द कर रहा है, मैं देखा हूँ ऐसे ऐसे मार, आप चलिए विश्राम। और यदि कोई सत्संग के लिए आता है तो उसको धीरे से जानते हैं कि वे आएंगे तो रह नहीं पाएंगे, उनको सत्संग देंगे तो जो सेवा में रहते हैं वहीं से कह देना मैं आपसे, क्योंकि उनका एक ही लक्ष्य होता है अपने सेव्य को प्रसन्न करना। तो सखी मंजरी प्रिया जी के पास आकर के कहती हैं, स्वामी बहुत देर हो गई है, चलो थोड़ा विश्राम करो, कैसी ममता है, कितने प्यार से भरी है दासियाँ। सखियाँ कहती हैं तुलसी की तरह प्यार हम लोगों को कब है। देखिए मंजरियों की सेवा को देख करके श्री कृष्ण के हृदय में भी लोभ जागृत हो जाता है, कैसे सेवा मैं कब कर, मंजरियों की सेवा भाव तो कैसी ममता, कितना बड़ा प्यार, तुम्हारे विश्राम की बात ही भूल गई थी, आओ सखी थोड़ा विश्राम कर लो। तुलसी ने हाथ पकड़ करके स्वामी जी को ले जाकर शैया पर ले जाती है, स्वामी सुख से लेट जाती है। केली तल्प कुंज में होता है, यहाँ जावट में केली सैया क्यों, तंद्रा में स्वामिनी जी देख रही है, श्याम सुंदर आए नहीं स्वप्न विलास, देखिए प्रेम वैचित्री, स्वप्ने तो निद्रया, स्वप्न में रूप दर्शन कर स्वामिनी मुग्ध है, रूप गुणे रस सुंदरी,
प्रिया जी हमेशा जागृत स्वप्न सुसुप्त सुषुप्त में हमेशा जागृत हैं या स्वप्न हैं या सुसुप्ति हैं, प्रत्येक अवस्था में तो प्यारे श्याम सुंदर हैं और श्याम सुंदर के प्रत्येक अवस्था में प्रिया जी हैं। स्वप्नावेश में लीला चल रहा है, आप लोग गीत गोविंद में देखते होंगे सप्तम सर्ग, श्याम सुंदर नहीं है लेकिन प्रिया जी श्याम सुंदर के साथ लग रहा है, दूसरे को डांट रहे लेकिन वहीं पर यही कैसी अपूर्व शयन भंगिमा, प्रिया जी अकेले हैं लेकिन प्यारे श्याम सुंदर वहाँ स्वप्न में वह आ गए, कैसी मधुर प्रिया जी का चरण विन्यास, स्वप्न में की बातें बात कर रही हैं, मुख पर कैसी मधुर मधुर हंसी छिटिक रही है, स्वामी के प्रेम के आकर्षण से श्याम भी कि वह अवस्था धीरे धीरे प्रेमावस्था को प्राप्त हो गए। वृंदावन में अभी थोड़ा सा तो विश्राम करती हैं जावत में प्रिया जी, अभी तो तुरंत विशाल के लिए चले, मुझे स्वप्न में ऐसा था मैंने ऐसा देखा, धन्य है श्याम धन्य है तुम्हारी स्वामी। तुलसी देख रही है उनकी रची सैया को, सम्यक रूप से विभूषित स्वामी अंगड़ाई ले रही है, मानो माधुर्य निचुड़ निचुड़ करके छिटक छिटक रहा है, तुलसी का चीत उसी माधुर्य रस में डूबा हुआ है, सहसा स्फूर्ति में विराम आया, कुंड तट पर खड़े श्रीपाद आर्त नाद करते हुए हा स्वामिनी कह करके पछाड़ खा रहे हैं, क्योंकि वहां तो कुछ है नहीं, वहां तो केवल स्मरण विलास, स्मरण में प्रिया जी की लीला है। आचार्य चरण कहते हैं ललितादि सखी सने प्रिय नर्म अला भने, प्रिया जी को सुंदर सुंदर चर्चा करके उस रस में विप्रलम्ब को हटा दिया जाता है, जब तुम ही हई बे मगन, प्यारे श्याम सुंदर की चर्चा करके प्रिया जी जब मग्न हो जाएगी तो केली पीला शेर तरे बिछाई को नीज करे मनोहर कुसुम शयन, जब प्रिया जी श्री कृष्ण की प्यारे श्याम सुंदर की चर्चा करके तद भाव भावित होकर के उसी भाव में निमग्न हो जाएंगी तो ताहते शयन करी स्वप्ने श्यामेरे श्यामेरे हेरी अप्रिय संग हो गए विलसी, शयन करेंगी अकेले लेकिन इतना गाढ़ चिंतन करेंगे कि लगेगा प्यारे श्याम सुंदर भी वही है, तुम्हार अंग माधुरी हेरी को नजर भरी, उस समय विप्रलम्ब में मिलन का जो सुख है उसको मैं कब देखूंगी, केली तलते हुई बेहोशी तक, इस प्रकार इस रस का आचार्य चरण चर्चा कर रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। केली तल पर प्रिया जी का एक लीला है, सोए हुए हैं उस समय झूला चल रहा है, झूला कब चल रहा है, अभी 13 दिन झूला चल, मेरी अलक लड़ी अलबेली, देखिए अकेले प्रिया जी हैं लेकिन प्यारे श्याम सुंदर के साथ झूला पर है, कैसे झूला पर खेल रही हैं सखियां, मेरी अलक लड़ी अलबेली झूलत रति विपरीत हिंडोले, मेरी अलक लड़ी अलबेली झूलत गति विपरीत हिड़ोले, मचकत जौवन जोर परस पर, मचकत जौवन जोर परस पर,
परिरंभन पग पेली परिरंभन पग पेली सखी सखी सहेलियां भी वहां उपस्थित हो गए केली तल्प पर गावत राग मल्हार मनोहर गावत राग मल्हार मनोहर भगवत रसी कसहेली भगवत रसी कसहेली मेरी अलग लड़ी अलगेरी झूलत रति विपरीत हरिओले हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। द्वितीय सर्ग विहरति बने राधा साधारण प्रणय हरौ विहरि धरिजो शस्यावसेन गतान्यत क्वचिदपि तथा कुंजे गुंजन मधुकृत मंडले मुखर शिखरे दीना दीना वर्दशिम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अच्छा भगवान का खेल दो तरह का है और प्यार एक साधारण सभी गोपियों तो गाढ़ प्रेम करेगी नहीं तो आज भगवान साधारण प्रेम के वशीभूत होकर के रास कर यही कहते हैं विहरति बने राधा साधारण प्रणय हरौ साधारण प्रणय हरौ बने विहरति वन में भगवान विहार कर रहे अब विगलित निज्या विगलित